चूरू राजस्थान। आज हम बात करेंगे चूरू जिले के बारे में। चूरू जिला राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जो अपने कई पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि यह शहर थार रेगिस्तान के किनारे पर सुनहरी रेत के टीलों के बीच में स्थित है। इस छोटे से शहर में कई हवेलियां, भित्ति चित्रों और आदित्य वास्तुकला के लिए युक्त है। चूरू उत्तरी राजस्थान में ऐतिहासिक शेखावटी क्षेत्र का एक हिस्सा है। चूरू को गेटवे टू थार डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप एक वास्तुकला प्रेमी हैं तो आपको चूरू यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह अपनी वास्तुकला के कारण पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र है। अगर आप चूरू जिले की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर कन्हैयालाल बंगला और सुराना की हवेलियां तथा एक 400 साल पुराने किले की सैर कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यटक वीकेंड के दौरान इस पर्यटन स्थल के लिए एक दिन के लिए घूमने के लिए भी आप आ सकते हैं। दोस्तों, चूरू के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें एक अनुमान मिल सके और अगला वीडियो आपके शहर के बारे में भी बना पाए। और दोस्तों, लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि इस YouTube के भरे हुए मेले में आपसे कहीं हम बिछड़ ना जाएं। आइए मुद्दे की बात करते हैं। चूरू के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास 1620 ईस्वी पूर्व का है, जब ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना राजपूतों द्वारा की गई थी। चूरू शहर का नाम राजपूत शासक चोरू जाट के नाम से पड़ा है। राजपूत चूरू में सता में प्राथमिक राजवंश थे और 1871 के युद्ध के बाद यह बीकानेर का हिस्सा बन गया। 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद बीकानेर राज्य को पुनर्गठित किया गया और इस प्रकार चूरू जिला अस्तित्व में आया। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ के दर्शनीय स्थल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मुख्य जानकारी बताना चाहूंगा। 2011 के अनुसार चूरू की जनसंख्या 20,39,547 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 10,51,446 और 9,88,101 महिलाओं की संख्या शामिल है। इस हिसाब से यहाँ का लिंगानुपात हो गया 940 और साक्षरता दर है यहाँ की 66.75%। अगर हम यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 13,858 वर्ग किलोमीटर में फैला है चूरू शहर। आइए अभी हम बात करते हैं चूरू में घूमने लायक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल के बारे में। चूरू का मशहूर आकर्षण है स्थल सेठाने का जोहरा। सेठाने का जोहरा चूरू में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि सेठाने का जोहरा रतनगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जल भंडार है, जिसे भगवान दास बांगला की विधवा ने बनवाया था। इस क्षेत्र में विक्रम संवत 1956 के दौरान एक भयानक अकाल पड़ा था। दोस्तों, इस चूरू से पहले वाला वीडियो था छपनी अकाल के बारे में, उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि छपनी अकाल में कितने भयानक अकाल था और इसमें लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इस जलाशय को बनवाया गया था इस सेठाने ने। आपको बता दें कि एक शोध परियोजना के रूप में निर्मित है, जिसका पानी पक्षियों और जानवरों को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ पर आप नील गाय को देख सकते हैं। अगर आप चूरू में गए हो तो इस ऐतिहासिक स्थल पर जरूर जा सकते हैं। छपनी अकाल के दौरान बनवाया गया था ये। रत्नागढ़ चूरू के पास स्थित एक अद्भुत किला है, जो भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह एक ऐतिहासिक किला है, जिसका निर्माण राजा रतन सिंह द्वारा 1820 ईस्वी में करवाया गया था। बता दें कि इस किले के आसपास कई हवेलियां भी बनी हुई है। यहाँ की खूबसूरत हवेलियों में कन्हैयालाल बंगला की हवेली और सुराना की हवेलियां भी शामिल है, जिसे आप देखने जरूर जाइए। चूरू के तीर्थ स्थल तो बात करें तो सालासर बाला काफी मशहूर दर्शनीय स्थल है। सालासर धाम एक मंदिर है, जो राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ के पास सालासर के छोटे से शहर में स्थित है। बता दें, ये मंदिर बालाजी को समर्पित है, जो हनुमान जी का एक नाम है। यह मंदिर साल भर भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। सालासर धाम या खाटू श्याम मंदिर रानी सती दादी जी और मंदिर के पास स्थित है। सालासर धाम यहाँ का काफी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। सालासर बालाजी मंदिर का निर्माण 1754 में किया गया था, जिसे आज बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भक्तों की हर रोज मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्वयं शंभू मानी जाती है। अगर आप चूरू में दर्शनीय स्थल या फिर घूमने जाते हो तो इस मंदिर जरूर हो आइए। चूरू में घूमने लायक है कोठारी हवेली। कोठारी हवेली चूरू जिले में स्थित है, जिसका आकर्षण और प्रसिद्ध संरचना है, जिसका निर्माण 1925 में एक व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी द्वारा किया गया था। फिर है सुराना हवेली। अपने नक्काशी के लिए सुशोभित कर देने वाली यह हवेली सुराना हवेली एक बेहद आकर्षण संरचना है, जो चूरू जिले में स्थित है। इस हवेली का निर्माण 1870 के दौरान किया गया था। आपको बता दें कि इस हवेली में 1111 खिड़कियां हैं और दरवाजे बने हुए हैं। सुराना हवेली एक 6 मंजिला इमारत है, जो बहुत ही विशाल है।
अगर आप वास्तुशिल्प प्रेमी हैं तो आपको इस हवेली का दौरा जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एक प्रसिद्ध है यहाँ का अभ्यारण्य जिसका नाम है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस अभ्यारण्य में पर्यटक कई तरह के जानवर देख सकते हैं, जैसे चिंगारा, जंगली बिल्ली और लोमड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य में एक अनोखा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें ज्यादातर घास भूमि को कवर करती है। यहाँ पर कई तरह के प्रवासी पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं। 719 हेक्टेयर में फैले ताल छापर को 1962 में एक आरक्षित भूमि घोषित किया गया था। यह स्थान पक्षी प्रेमी के बीच लोकप्रिय है। यहाँ पर कई दुर्लभ और लुप्त प्राय काले हिरन, जंगली बिल्ली, रोजरा, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। अगर आप किसी प्राकृतिक जगह की तलाश में हैं, तो यह जगह आपको मिल गई है। चूरू जिले में यहाँ पर भोजन में भी कई फेमस जगह आपको मिल जाएगी। चूरू यात्रा के लिए आपको कुछ टिप्स दे दूंगा मैं आपको। अगर आप चूरू की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ स्थित चूरू किले को एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें आपको कि 400 साल से अधिक पुराना यह किला, फिर है सुराना हवेली, ताल छापर बालाजी, दूधवा खारा, ताल छापर अभ्यारण, कोठारी हवेली, छतरी यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। सेठानी का जोहरा चूरू के उत्तर पश्चिम में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप शाम के समय यात्रा कर सकते हैं और सुंदर सूर्यास्त को देख सकते हैं। चूरू के बाजारों में आप राजस्थानी मसालों और मारुति पापड़ ले सकते हैं। चूरू की यात्रा के समय आपको यहाँ स्थानीय रेस्टोरेंट में कुछ प्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद भी लेना चाहिए। यहाँ पर बाजरे की रोटी और केर सांगरे की सब्जी और काफी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी प्रसिद्ध हैं, उन्हें भी आप जरूर चखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यह थी एक छोटी सी जानकारी राजस्थान के चूरू शहर के बारे में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो नीचे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।